मुलान। एक बार की बात है, चीन के हैन में फा झाऊ रहता था। वो राजसी सेना का योद्धा था। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम था मुलान। मुलान को अपने पिता के अस्त्र शस्त्र बहुत पसंद थे। वो हमेशा उन्हें पहनती और आईने में खुद की प्रशंसा करती। ओ मुलान, ये तुम क्या कर रही हो? पिताजी, मैं आपकी तरह एक योद्धा क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि और तुमको लड़ाई में लड़ने की इजाजत नहीं है मेरी बच्ची। उन्हें चोट लग सकती है, उन्हें घर की देखभाल करनी पड़ती है। पर युद्ध भूमि में औरतें मर्दों की तरह ही बेहतर हो सकती है। हाँ मेरी बच्ची, पर सेनापति कभी भी एक औरत को लड़ाई में नहीं आने देगा। एक दिन हैन चीन के सम्राट को पता चला कि हंस सेना पर हमला करने वाले हैं। हंस का नेतृत्व बहुत ही जालिम शानयू कर रहा था, जो उनकी जमीन छीनना चाहता था। हमारी सेना इतनी बड़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर घर से कम एक सदस्य इस लड़ाई में लड़े। जितने ज्यादा होंगे उतना बेहतर। जल्दी ही खबर सब ओर फैल गई और हर परिवार से एक एक सदस्य को पहाड़ों पर भेजा गया सेनापति के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। पर पीछे मुलान के घर में एक अनापेक्षित घटना हुई। मुझे जाना होगा, ये सम्राट की आज्ञा है। पर आप तो बीमार हैं, आप युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे देश और मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। मैं कल ही जाऊंगा। नहीं, पर पिताजी इतने बीमार हैं और ये बहुत ही खतरनाक पहाड़ है। वो सेनापति तक पहुंचने के काबिल भी नहीं है। मेरा देश खतरे में है। मैं अपने पिताजी को ऐसे नहीं भेज सकती हूँ। मुलान हार मानने वाली नहीं थी। मुझे पता है मुझे क्या करना होगा। मैं पहाड़ों पर प्रशिक्षण पाने के लिए जाऊंगी। मैं अपने देश के लिए लड़ूंगी और हंस को तबाह कर दूंगी। मुझे क्षमा करना पिताजी। मुझे पता है कल सुबह आप बहुत ही क्रोधित होंगे, पर मैं ना ही आपको गवा सकती हूँ और ना ही अपने देश को हारते हुए देख सकती हूँ। आपकी आज्ञा ना मानने के लिए मुझे क्षमा करना। पर यदि एक पुरुष के रूप में मुझे ये लड़ाई इस तरह लड़ना होता तो मैं जरूर लड़ने वाली हूँ। तो इस तरह शक्तिशाली मुलान निकल पड़ी सेनापति की शाही सेना की तरफ। वो जानती थी कि औरतों को लड़ने की इजाजत नहीं है, पर वो ये भी जानती थी कि अपने देश के लिए अपना प्रेम और अपने पिता के लिए उसका प्रेम उसके हृदय से निकला है। इस वक्त वो परवाह नहीं कर रही थी कि वो पुरुष है या औरत, वो एक योद्धा थी। तुमने कहा तुम्हारा नाम है चेंग, क्या ये सही है? तुम्हारे लड़ने के हुनर कैसे हैं? सेनापति चेंग मेरा नाम है। मेरे लड़ने के हुनर शायद इतने बढ़िया हो ना हो जैसे यहाँ उपस्थित सारे अत्यंत हुनरमंद योद्धाओं के हैं, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा जुनून पसंद आया चेंग, कल से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू करेंगे। मुलान दृढ़ निश्चयी, शक्तिशाली और जिद की पक्की थी। उसने बहुत मेहनत की अपनी तलवारबाजी का हुनर चमकाने के लिए। वो बहुत जल्दी सीखती थी। जब हर कोई आराम कर रहा होता वो अपने हुनर का अभ्यास करती। मुलान को सेना में एक पुरुष के रूप में जल्दी ही स्वीकार कर लिया गया। उसके साथी योद्धा उसके आत्मविश्वास और देश के लिए उसके जुनून से बहुत प्रभावित थे। पर कोई और भी था जो मुलान के प्रशिक्षण से प्रभावित हुआ था। ये था रक्षक ड्रैगन मुशु। मुशु को मुलान की मदद करने के लिए उसके पूर्वजों द्वारा भेजा गया था। जब मुलान ने अपना घर वहाँ पहाड़ों पर छोड़ दिया, उसकी माँ ने उसे वहाँ से जाते देखा। भयभीत होकर उसने तुरंत ही पूर्वजों से प्रार्थना की। ओह, हमारी रक्षा करें, मेरी बेटी की रक्षा करें। चिंता मत करो, वो एक बहादुर बच्ची है, उसका दिल सोने का है। मुशु एक रक्षक ड्रैगन है, वो मुलान की रखवाली करेगा। और इस तरह मुशु हमेशा मुलान पर नजर रखता। मुलान को तो ये पता भी नहीं था कि उसका एक रक्षक ड्रैगन है, पर मुशु ने कभी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। देखो तो वो कितनी गुणी है, उसे अपने गुण को साबित करने के लिए मौके का हक है। मुशु ने फैसला किया एक नकली पत्र लिखने का, जिसमें ली शान को आज्ञा दी गई कि वो पहाड़ों की तरफ कूच करे। हैंस ने शहर पर हमला कर दिया है, हमें आज्ञा दी गई है कि हम पहाड़ों की तरफ कूच करें और बाकी के कबीलों को नष्ट कर दें। सेना पहाड़ों से निकल कर आगे बढ़ी, पर वो जानते नहीं थे कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। हंस ने शहर पर हमला नहीं किया था,
वो सब पहाड़ों में छुपे हुए थे इस उम्मीद में कि शाही सेना एक गलती करे। हंस ने शाही सेना पर हमला किया। वो हंस के मुकाबले गिनती में बहुत कम थे। वो लड़े और खूब लड़े, पर इसका कोई फायदा नहीं था। अचानक, रुको, मेरे पास एक सुझाव है। मुलान ने आखिरी तोप ली और उसे पहाड़ों के बीच में चलाया। इसने बर्फ का तूफान ला दिया और जल्दी ही हंस बर्फ के नीचे दब गए। ये हम जीत गए। ये हम जीत गए। पर तोप ने मुलान को भी जख्मी कर दिया था। वो जमीन पर गिर गई। हर कोई उसके आसपास इकट्ठा हो गया। जैसे ही एक योद्धा ने उसे उठाने की कोशिश की, उसका टोप निकल आया और उसके लंबे घने बाल हवा में उड़ने लगे। ओह, मुझे पता नहीं था कि चैंग के इतने लंबे बाल हैं। मेरी टोपी कहाँ है? तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है चैंग? क्या तुम्हारे गले में चोट लगी? रुक जाओ, तुम चैंग नहीं हो, तुम एक पुरुष नहीं हो, तुम तो एक औरत हो। मुझे बताओ तुम कौन हो? मुझे क्षमा करना सेनापति, मैं आपके शत्रु नहीं हूँ। मैं फा मुलान हूँ, पाशाओं की बेटी। मेरे पिता बीमार थे और मैं नहीं चाहती थी कि वो खुद को और ज्यादा जख्मी करें। मुझे मेरे देश से प्यार है, इसलिए मैंने एक पुरुष का भेस लिया ताकि मैं लड़ाई में लड़ सकूं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, आप मेरी बात को समझिए। पर कुछ तो गलत जरूर हुआ है, तुमने हमें धोखा दिया है। मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा क्योंकि तुमने हैंस को हराने में मदद की है, पर अब तुम और नहीं लड़ सकती। इसी क्षण अपने गाँव वापस ले जाओ और कभी वापस मत आना। मुलान पूरी तरह टूट गई थी। मुशु भी मुलान के पीछे गए। पहाड़ों पर जाते हुए रास्ते में मुलान ने कुछ अजनबी आवाजें सुनी। जब वो उन आवाजों के पीछे गई, नहीं, हंस, वो अभी भी जीवित है। नहीं, वो शहर की तरफ कूच कर रहे हैं। मुझे सेनापति को बताना होगा। मुलान लीशान की तरफ दौड़ती हुई गई। सेनापति, सेनापति! तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? सेनापति, हंस जीवित हैं। वो शहर की तरफ कूच कर रहे हैं। हमारा सम्राट खतरे में है। मेरे पास तुम पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। चली जाओ यहाँ से। नहीं, कृपया करें। अब मैं क्या करूँ? नहीं, मैं हार स्वीकार नहीं करूँगी। मुझे कोशिश करनी होगी। मैं अपने सम्राट और अपने देश को बचाऊंगी। मुलान ने पक्का इरादा कर लिया कि वो अकेले ही हंस को रोकेगी। उसने अपना घोड़ा लिया और शहर के लिए निकल पड़ी। इस बीच, मैं उस चेंग को भरोसा क्यों करना चाहूंगा? मेरा मतलब उस मुलान का। और उसने मेरी सेना को निश्चय ही बचाया है, और उसने सर्वोत्तम तलवारबाजी के हुनर भी दिखाए हैं। क्या हो अगर वो सच कह रही हो और सम्राट की जान सचमुच खतरे में हो? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मेरी निगरानी में नहीं, मैं इसी वक्त सेना को शहर की तरफ ले जाता हूँ। और इस प्रकार मुलान निकल गई शहर और अपने सम्राट की हंस से रक्षा करने के लिए, और इसी तरह शाही सेना भी निकल पड़ी। जब मुलान ने शहर में प्रवेश किया, उसने देखा कि कुछ हंस पहले से ही फाटक पार कर चुके हैं। नहीं, इसका मतलब है सैन यू पहले ही महल में घुस गया है। मुझे अपने सम्राट की रक्षा करनी होगी। मुलान शीघ्र ही महल की ओर बढ़ी और उसने पाया कि उसका सम्राट पहले से ही बंदी बना लिया गया है। नहीं, अब मैं क्या करूं? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। ओह, शक्तिशाली शैन्यू, मैं तुम्हें जीवित देखकर बहुत खुश हूँ। क्या? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? कोई भी मुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, सुंदर नौजवान लड़की। यही मैंने उसे बताया था, पर वो हंसता रहा और उसने कहा कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते और ये कि तुम... रुको, वो कौन है? चैंग। चैंग? चैंग कौन है? शाही सेना का एक योद्धा, वो जिसने तुम्हारे सिपाहियों को वहाँ ऊपर बर्फ में गाड़ दिया था। ओह, वो छोटा सा आदमी? हाँ, हाँ, उसने कहा कि यदि तुम मरे नहीं तो वो तुम्हें चुनौती देगा और वो तुम्हें हरा देगा, पर उसे ये पता नहीं कि तुम जीवित हो। वो छत पर है। तुम मेरे पीछे वहाँ ऊपर क्यों नहीं आते और पहले हमला क्यों नहीं करते? मुझे ये पसंद आया। सिपाहियों, सम्राट को जाने मत देना। मुझे देखने दो इस चैंग में कितना दम है। चैंग मुलान के पीछे छत पर गया। मुलान ने तुरंत ही उसे पीछे से धक्का दिया और अपने कपड़ों के नीचे से अपनी तलवार निकाली। क्या? वो चैंग कहाँ है और तुमने ये तलवार क्यों पकड़ी है? चैंग,
वो जिसने बर्फ के नीचे तुम्हारे सिपाहियों को गाड़ दिया था वो ठीक तुम्हारे सामने है। तुमने हमारे लोगों पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें इसी वक्त पराजित करूंगी। एक महिला योद्धा? क्यों? क्या तुम डरते हो क्योंकि मैं एक औरत हूँ? फिक्र मत करो, मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगी। तुम्हारी ये हिम्मत? शैन यू को हरा दिया गया। मुलान सीढ़ियों से नीचे आई अपने सम्राट को बचाने, पर वो हैरान थी। सेनापति ली शान! सेनापति ली शान और उसकी सेना द्वारा सम्राट को पहले ही आजाद करा लिया गया था। हर कोई ये जान गया कि अब शैन यू मर गया है। हंस गिरफ्तार कर लिए गए और बंदी गृह में डाल दिए गए। लोग नाचे और उन्होंने जश्न मनाया हंस पर अपनी विजय के लिए। हैन चीन ने अपने बहादुर योद्धा के लिए खुशियां मनाई। मुलान को शाही सेना की बहादुरी की शील्ड दी गई। मुलान ने इस सम्मान को स्वीकार किया। उसने सम्राट का धन्यवाद किया और अपने परिवार के पास लौटी। ओ मुलान, हमें इतनी खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मुझे क्षमा करना पिताजी। नहीं मेरी बच्ची, तुमने हमें गौरवान्वित किया है। मुझे तुम पर नाज है। क्या, तुम कौन हो? मैं एक रक्षक ड्रैगन हूँ। मैं हमेशा उनकी देखभाल करता हूँ जिसमें स्वयं को साबित करने का जज्बा होता है। तुमने साहस का परिचय दिया, अपने पिता और अपने देश के प्रति प्रेम दर्शाया है। तुम एक सच्ची योद्धा हो। तुमने ये साबित कर दिया है कि औरतें कुछ भी साबित कर सकती हैं यदि वो इसमें अपना मन लगा दें। हाँ, और मुझे गर्व है कि मेरी एक बेटी है।